तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। घर पे आ चुके हैं काम पे से, बड़े यहाँ हाथ मुँह धो के फ्रेश हो गए हैं, कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिया है। ये देखिए, और आज खाना हमारा जो है बना हुआ तैयार था। अम्मा खाना बना के पूरा रेडी करके रखे हुए थे, सारा खाना जो है तैयार है। ये देखिए, ये इसमें कुकर में दाल बनी हुई रखी हुई है, ये रोटी सब बनी हुई तैयार रखी हुई है इसमें, और ये चावल, इसमें चावल है, नीचे आलू की सब्जी बनी तैयार रखी है। आज हमको खाना बनाना नहीं पड़ा, अब क्या है कि अम्मी आ गई हैं तो खाना बना देती हैं। ये सब बन चुका है, और इसमें दो हमने जो है रोक लिया था पराठा बनाने के लिए। आलू की सब्जी जो होती है पराठा या पूड़ी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी आती है। तो हम क्या करेंगे, दो जो है या आटे की लोई रखी हुई ना, तो पराठा बनाएंगे, हम अपने हाथ से पराठा बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। अब लेकिन अभी थोड़ा रुक के बनाएंगे, खाना खाने का टाइम अभी हुआ नहीं है, तो थोड़ा रुक के बनाएंगे। अभी तो बैठे हुए हैं रूम पे। इधर शानवाज मोबाइल चला रहे हैं, वैसे रोज़ खाना बनाते थे अपने हाथ से, तो बहुत टाइम भी लगता था, अब बहुत देर में खाना बनता था। और अभी देखिए टाइम क्या हुआ है, अभी 8:30 बज रहे हैं, और 8:30 बजे खाना बन के बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस खाना है, निकालना है और खाना है, नहीं तो ऐसे 10 भी बज जाते थे, 10:30 बज जाते थे, और कभी कभी क्या होता था कि 11 भी बज जाते थे, खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। इतना धूल गर्दा रहता है रास्ते में, पूरा चेहरा बिल्कुल धूल धूल हो जाता है। देखिए दाढ़ी हमारी धीरे धीरे निकल रही है, बिल्कुल ख़राब चेहरा हो गया था, अब तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, अब दाढ़ी धीरे धीरे आ रही है। अब की बार जब कटिंग करवाने जाएंगे तो बहुत अच्छे जो है बार बार के यहाँ जाएंगे, भले ही पैसा जो है ज़्यादा लगे, लेकिन बढ़िया बार बार से करवाएंगे, ताकि हमारी जो है दाढ़ी वाढ़ी ख़राब ना करे वो। कल हमने प्लान बनाया था अंडे का भेजा बनाने के लिए, बहुत दिन हो गया था अंडे का भेजा खाए हुए, तो हमने सोचा कल जो है बनाएंगे दूसरे दिन। कल की वीडियो में हमने बताया भी था, लेकिन जब घर पे आए देखा पूरा खाना तैयार है, तो फिर जो है बनाने का हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन कल जो है हम बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है अंडा, बिल्कुल भेजे टाइप का, जैसे भेजा नहीं होता खाने में, मटन का भेजा होता है उस टाइप का बनता है, बहुत ही बढ़िया भेजा बनता है। कल की वीडियो में उसको बनाएंगे। अब आज खाना वाना सब बन चुका था, तो फिर हमने कहा कि कल पे रख देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। ये देखिए, पहले इस तरह से कर लिया जाता है ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद हल्का खुश्की लगा के बेलते हैं। बहुत छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो जो है पतला हो जाएगा, तो फिर मजा नहीं आएगा पराठे में। ये देखिए बिल्कुल गोल हमने जो इसको बेला है, देखिए देखिए बिल्कुल गोल। इसके पहले हमने एक बार ट्राई किया था पराठा बनाने के लिए, गोल हमसे बेल नहीं रहा था, अब की बार बिल्कुल गोल बेला हुआ है। पूरा खाना बनाते हैं तो मजा आता है पूरा सब बनाने में, आज खाली पराठा बना रहे हैं, बिल्कुल सूना सूना लग रहा है पूरा खाना का कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो और मजा आता है खाना बनाने में। ये एक तरफ सेक गया, ये दूसरी तरफ सेक ले, दोनों तरफ अच्छे से सेक जाए तो तेल डालें फिर। ये देखिए बढ़िया दोनों तरफ सेक गया, ये अब डाल दे इसमें थोड़ा तेल, ये बढ़िया तैयार हो रहा है पराठा। ये देखिए बढ़िया जो है फ्राई हो रहा है,
ये एक नंबर का पराठा एकदम बन के तैयार हो गया है। देखिए अब एक और बचा, इसको ही बना लेते हैं, किसी प्लेट में रख लेते हैं, फिर खाने की तैयारी शुरू करते हैं। फटाफट इसको ही बना ले। ये देखिए, ये खाना खाने की तैयारी हो गई है, और जो है बाकी का सुभान वाला रोटी वोटी। ये देखिए, जो दो पराठा हमने अभी बनाया था, ये देखिए, एक बड़ा बन गया, छोटा बन गया। ये है दाल, अरहर की दाल, बहुत बढ़िया दाल बनी। कबाब, कबाब मंगा लिए तो हमने बाजार से, और सब्जी और कबाब निकल जाए, सब्जी और कबाब के साथ खाएंगे। ये देखिए, अभी बाजार से कबाब, हरी चटनी, प्याज। इसमें छोटे कबाब होते हैं बाजार के कबाब, ये सब्जी है, आलू गोभी और मटर। अब और लोग भी जो है खाना खाने की तैयारी करने जा रहे हैं, वो लोग भी खाने जा रहे हैं, शाहनवाज भी खाना खाने जा रहे हैं, अब्बा आ गए, वो भी लेटे हैं, वो भी खाना खाने जा रहे हैं, तो सबका खाने का टाइम हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।